धान का सीजन पीक पर है और ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है। जिस तरीके से मोटे धान की सरकारी खरीद जो है, सरकार के द्वारा आदेश जारी हुए हैं कि 27 तारीख से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, ऐसे में किसान नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है क्योंकि धान की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। किसान नेता आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं कि बारदानों और एजेंसियाँ को अभी तक काम नहीं सौंपा गया, तो ऐसे में धान की जो खरीद है वो कब तक शुरू होगी। ऐसे में किसान नेता आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि कल तक अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो कल अनाज मंडी मार्केट कमेटी के कार्यालय में इकट्ठे होंगे और सड़क जाम कर सरकार को चेताएंगे कि धान की सरकारी खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए। अब देखना ये होगा कि कब तक धान की सरकारी खरीद शुरू होती है। क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता, एक बार सुनवाते हैं आपको। थियो, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हरियाणा सरकार ने धान की खरीद को लेकर लेटर जारी कर दिया, तुरंत प्रभाव से धान की खरीद शुरू हुई, लेकिन मंडियों में लाखों टन धान पड़ी है, खेतों में पककर तैयार है और मंडी प्रशासन के पास ना कोई कट्टा है, ना कोई बारदाना है, ना कोई खरीदने वाला है। इंद्रिय अनाज मंडी में हमारे किसान नेता चौधरी रामपाल चैल की अध्यक्षता में प्रशासन से बातचीत हुई है। 3 बजे तक का समय दिया गया है, आज 3 बजे तक भाई आपकी जो जीरी पड़ी वह खरीदनी स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर 3 बजे तक खरीद शुरू नहीं होती तो कल 28 तारीख को सुबह 10 बजे मार्केट कमेटी का जो दफ्तर है, सभी किसान साथी वहां पर इकट्ठा होंगे और हाईवे को जाम करने का काम करेंगे अगर खरीद नहीं शुरू होती।